हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सम फॉर्मूले का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी सम फॉर्मूला होता है और उसको हम कैसे उपयोग करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेना है सिंपली, तो यहां से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ओपन कर लिया है। वर्जन चाहे जो भी हो, काम करने का तरीका लगभग सब में एक ही है। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहां पर आ जाएगा क्रिएट। तो जैसे ही क्रिएट आएगा हम इस पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का कुछ सिनेरियो आएगा। व्यू पे क्लिक करना है, दो व्यू दिखाई पड़ेंगे, डिजाइन व्यू डेटा शीट व्यू। अभी हमें डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है और मैं यहां लिख देता हूं सम, क्योंकि हम सम फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। तो टेबल को नाम दे दिया सम और यहां पर आईडी आ रही है, ये प्राइमरी की है। अब यहां पर आएंगे हम, यहां लिखता हूं नंबर, ठीक है। तो यहां नंबर लिख दिया और यहां पर हमें रखना है नंबर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां रख लिया हमने नंबर डेटा टाइप और हम इस नंबर डेटा टाइप में लिखे जाने वाले नंबर्स का सम करा करके देखेंगे कि कैसे होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पर क्लिक करने के बाद ये सेव करने के लिए बोलेगा। यहां से सेव करा हमने, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहां पर क्रिएट पे क्लिक करना है और क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है और यहां से ऐड करवा देना है इसको। ऐड करवाने के बाद जैसा कि आप जानते हैं यहाँ टोटल पे क्लिक करना है आपको। पहले तो हम यहाँ पे नंबर लेके आ जाएंगे, ये डबल क्लिक करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब हमें टोटल पे क्लिक करना है, जैसे टोटल पे क्लिक करेंगे यहाँ ग्रुप बाई का सिंबल आ जाएगा और यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके सम चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने टेबल में कुछ भी लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर टेबल में हमें कुछ लिखना होगा, कोई वैल्यू लिखनी होगी, जैसे 66 लिखा हमने। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे 6 लिखा हमने, ठीक है। और देन इसको सेव किया, तो अभी 66 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा वो हमें देखना है। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज किया। जैसे ही क्लोज करेंगे और फिर हम ओपन करेंगे इसे यहाँ से, ठीक है। तो सेम अपना डेटाबेस हम ओपन करेंगे, ये 127 नंबर का डेटाबेस हमने क्लोज किया था। अब इसको ओपन करता हूं, हमने क्वेरी को सेव नहीं किया था तो यहाँ पर हम क्वेरी बना लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे क्वेरी डिजाइन पे जाना है आपको और यहां से क्या करना है, ऐड करवा लेना इसे, ठीक है। और नंबर ले लेना है यहाँ पे और यहां से टोटल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ग्रुप बाई आएगा, यहां से ग्रुप बाई पे जाकर के आपको करना क्या है, सम पे क्लिक करना है और यहां से रन करवा देना इसी। तो देखिए इन दोनों का सम जो है वो करा रहा है 72। आप देख सकते हैं यहां पर हमारा टेबल है, ये टेबल है हमारा, 66 में 6 अगर ऐड करते हैं तो 72 ही आएगा। अब इसमें 6 और ऐड कर देते हैं और फिर 3 और ऐड कर देंगे तो अभी हम देख पाएंगे कि इसमें क्या आएगा। तो पहले हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। हमें अपनी क्वेरी भी सेव करनी होगी ताकि ये क्वेरी सेव रहे, हमें बार बार रन करवाने की जरूरत ना पड़े। तो ये दोनों चीजें सेव हो गई, अब इसको क्लोज करिए। क्योंकि हमने जो काम किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना है, इसलिए इसको क्लोज किया। देन फिर इसको ओपन करता हूं यहां से और वही सेम डेटाबेस हम ओपन कर लेंगे। यहां से डबल क्लिक किया हमने, क्वेरी को ओपन करना है तो यहां देखिए अब 81 आ रहा है, यानी यहां पर आपने सम किसको किसको कराया था, 66 एंड देन 3, तो इसका आंसर जो है 81 आएगा। आप देख सकते हैं कितना इजी है, कितना इजी वे में इसको हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे इसको करना है। आइए अब एवरेज की बात करते हैं, तो चलिए एक नई क्वेरी बनाते हैं एवरेज के लिए। तो यहां पर आएंगे और यहां से सम वाले टेबल को ऐड करा देंगे और यहां पर नंबर मैं ले लेता हूं और यहां से जाके टोटल पे क्लिक करना है और ग्रुप बाई पे आकर के और यहां से आपको करना है एवरेज, ठीक है। सम हम पहले कर चुके हैं तो यहां करना है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज करने के बाद अब क्या करना है, रन पे क्लिक करना है, ठीक है सिंपली। तो यहां रन पे जैसे क्लिक किया हमने तो आप देख पा रहे हैं कि 20.25 यानी कि इसका एवरेज आ रहा है। किसका किसका एवरेज है ये मैं आपको दिखाता हूं, इन सबके एडिशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 से क्यों, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेते हैं इन सबका एडिशन क्या आया हुआ है। तो यहां पर जो हमने क्वेरी बनाई थी उसमें पहले तो हमने एक क्वेरी बनाई थी जिसमें एडिशन आया हुआ है तो 81, तो 81 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो मैं आपको एक्सेल में करके दिखा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं 81 है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 20.25, ठीक है। यहां पर क्या आंसर आया है आप देख सकते हैं, 20.25। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात समझ में आई होगी कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है। एवरेज का पहले से डिजाइन किया हुआ प्री फॉर्मेटेड फॉर्मूला है, प्री डिजाइन फॉर्मूला है, उससे हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक और चीज, हम ट्राई करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मूला। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, सिंपली एक और क्वेरी बनानी है, उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे
और देख पाएंगे कि मिनिमम फार्मूले का रिजल्ट क्या आ रहा है और मैक्सिमम फार्मूले का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इसको ऐड करवा लेते हैं, ठीक है, और नंबर ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपली टोटल पे क्लिक करेंगे और यहां से ग्रुप बाय पे जाकर के, और यहां से क्या करेंगे हम मिनिमम पे, पहले मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम नंबर्स ये निकाल के देता है या नहीं। मिनिमम नंबर यहां पे 3 है, सबसे छोटा नंबर, आइए देखते हैं 3 है या नहीं। तो चलना है हमें यहां पे, तो देखते हैं, ये हमारा टेबल है और ये हमारा नंबर है। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो 3 ही है, आप देख सकते हैं 3 है, 6 है, 6 है और 66 है, तो ये 3 निकाल करके हमें दे दे रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब हमें बात करना है मैक्सिमम की। तो चलिए यहां क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और यहां से इसको ऐड करवा लेते हैं। और यहां से नंबर पे क्लिक किया हमने, तो ये नंबर यहां पे आ गया। अब हमें सिंपल यहां टोटल पे क्लिक करना है और यहां से हमें ग्रुप बाय पे जाकर के इसको मैक्सिमम को भी यहां पे ले लेना है। तो यहां मैक्सिमम भी हमने ले लिया और यहां से ओके प्रेस करिए, तो देखिए ये मैक्सिमम नंबर निकल करके आ गया। ये हमारी टेबल है और इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है आप देख पा रहे हैं कि कौन सा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।